गंभीर विषय मैं मानता हूं, इसलिए भी मानता हूं मैं कि ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेसवीन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है, और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मैं ये निर्देश दूंगा, अभी मैंने डीजीपी को लेसबिन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाए, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिला अधिकारी को दे। नाम बदलने की मांग उठ रही है कि आश्रम क्यों, मतलब अगर किसी ने कृत्य ऐसा किया है तो संबंधित व्यक्ति के नाम से बनाए, लेकिन आश्रम एक पूरे समुदाय को इंगित करता है, इसलिए नाम बदलने की मांग उठ रही है कि आश्रम ही क्यों। निश्चित रूप से क्यों, मैं भी उसका पक्षधर हूं ना, क्यों आश्रम नाम क्यों, और किसी दूसरे का रख के दिखाओ, समझ में आएगा। फिर ऐसा काम न करो जिससे दिक्कत हो, जो किया हम उसको गलत मानते हैं, चार गिरफ्तारी भी हुई, आगे जो भी नीतिगत कार्रवाई होगी वो होगी, लेकिन आप जो गलती कर रहे हो आप पर क्या करें, विचार तो करो झा साहब। एबीपी सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।